नमस्कार, मैथ्री न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। थाना एलाउ में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने युवती से पहले फेसबुक पर दोस्ती की, उसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जाँच सीओ सिटी को सौंप दी गयी है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। थाना एलाउ में तैनात एक दरोगा ने फेसबुक पर पहले युवती को फ्रेंड बनाया, शादी का झांसा दिया, जिसके बाद दरोगा ने युवती को अपने घर वालों से मिलवाने के बहाने मैनपुरी बुलाया, फिर उसे सरकारी आवास पर ले गया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी करने के लिए बोला तो दरोगा ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर आरोपी दरोगा के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। आपको बताते चलें, गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली एक युवती देर सांय एसपी अजय शंकर राय से मिली, जिसने थाना एलाऊ में तैनात दरोगा आशीष मलिक के खिलाफ शिकायती पत्र देकर बताया कि दरोगा आशीष मलिक ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की। काफ़ी दिनों तक दरोगा उससे बात करता रहा। दरोगा शादी करने का प्रस्ताव रखा तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गया। दरोगा ने प्रेम संबंधों के बहाने उसे दिल्ली से बुलाया, फिर दरोगा ने उसे अपने घर वालों से मिलने का झांसा देकर मैनपुरी बुला लिया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जी हैं, तो उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है बलात्कार के आरोप में, क्या है पूरा मामला? एक लड़की ने एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एक आरोप लगाया है। लड़की द्वारा लगाए गए आरोप लेते मुकदमा कायम करा दिया गया है। बाजू पुलिस ने मुझे फैक्ट्स है उसके आधार पर कार्रवाई की। सर, मामला क्या था पूरा बता रहे हैं? फेसबुक से इनकी दोस्ती हुई थी, उसके बाद सारी बातें विवेचना का विषय है, तहकीकात में सारी बातें आएंगी, बाकी एफआईआर आपको मालूम है। और अभी उस जो विवेचना के बाद फैक्ट्स के आधार पर कोई भी कार्रवाई आगे की जाएगी। दरोगा पर क्या कार्रवाई की? अभी कोई कार्रवाई नहीं, अभी कोई कॉन्क्रीट फैक्ट्स मिल जाए, सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रियात्मक चीज़ें बाकी हैं, उसके बाद ही कोई इस स्तर पर। पीड़िता ने तहरीर में सर दिया है कि 6 महीने से चक्कर लगाए थे मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद अभियोग पंजीकृत। फिलहाल ये मामला मेरे संज्ञान में पहली बार आया, मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई, इसमें मैंने तत्काल अभियोग पंजीकृत करा दिया और निरंतर कार्रवाई विधिक स्थिति के अनुसार की जाएगी। सर, ये कहाँ पर तैनात है? ये जनपद में तैनात है,